बनकर एक्यूज की तरफ से बेल के लिए आर्ग्यू किया गया, हमारी तरफ से उसको अपोज किया गया है। काफ़ी कुछ कोर्ट के सामने लीगल इश्यूज हमने रखे जिसके हिसाब से बेल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है आज कर्नाटका पुलिस, मैसूर पुलिस भी आप पहुंच गई है। एक्यूज के खिलाफ बहुत सारे संगीन अपराध हैं, जिसमें एक अपराध जो है 376 का भी है और उसके अंदर वो मॉन्टेज चल रहा है। तो मैसूर पुलिस जो है यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ आ गई है और कल जैसे ऑर्डर के लिए रखा है बेल के लिए, इमीडिएटली मैसूर पुलिस जो अपनी एप्लीकेशन रखेगी कि मुझे इसकी तस्वीर दी। उसके अलावा भी जो है और भी मैसूर में जो है उनके खिलाफ बहुत सारी FIR है, बहुत सारे केसेस में 138 में उनके खिलाफ नॉन वेरबल वारंट है और वो वॉन्टेड चले आ रहे हैं। तो इतना सिंपल आसान केस नहीं है। ये हो सकता है कि शुरू में प्रोसिक्यूशन ने जो है उसको मनी मैटर कह के कोर्ट के आगे पेश किया, परंतु ये सिर्फ पैसे का मैटर नहीं है, ये किसी एक वुमेन पे जो है अत्याचार जो हुआ है उसका केस है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बेल के आसार है और कल हमारी डेफिनेटली जीत होगी। नहीं आज तो जब मैटर ही कल पे रखा है ऑर्डर्स के लिए तो आज मिलेगा सवाल। क्या कहना चाहिए ऐसा आर्ग्यूइंग कॉन्सेंस चल रही है, मुझे पूरी आशा है कि बेल मिलेगा। तो लॉ जानती नहीं हूँ, सर ने जो बोला है बहुत ही आर्गुमेंट किया है, बहुत ही कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने जज से मैं आर्गुमेंट किए हैं, 1 आवर सभी एडवोकेट ने। तो अब कल होगा सर, सर ने बोल दिया, सर के सामने हम क्या बोल सकते हैं।